भाजपा विधायक नीलमणि बेसोई के सीधे निर्देशन में आज गोपालपुर ग्राम पंचायत में सोदा शहर का दौरा किया गया। वह सोदा प्रखंड में पिछले 33 दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निंदा कर केंद्र सरकार की योजनाओं की जनता को जानकारी दी गई। हम रेडी कोई मार्च करिए समस्त मीडिया बंधु मान को नमस्कार। आज आम पाखे अच्छा जे माधवी गुटाजी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुदूर दिल्ली रु मोदीजी बार्ता को नहीं विभिन्न जो केंद्र सरकार योजना से ही योजना को महिला मानी जो होता योजना निकटने पहुँचुची ना नहीं तार तदारख करने सहित सचेतन करने दु दिन ग्रस्त भुवनेश्वर जिला तेणु ये ग्रस्तर आम सहित तो सामिल होती अंचल जी कि टाणुआ नेता प्रेस मीट नीलमणि विषोई आमर प्रभारी कस्तूरी अपा महिला मोर्चा सभानेत्री आमर मधुस्मिता अपा आज आम दुई दिन है विभिन्न अंचल ग्रस्त करुचु एवं महिला मान को मोदीजी समस्त योजना विषय अवगत करा कराऊँ तेणु आज बैठक को मुझे अनुरोध करी जो मोदीजी बार्ता को नहीं माधव जी आपण पाखे उपस्थापन कर। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मैं माधवी मिहिर भूता यहाँ उड़ीसा के प्रवास पर हूँ। यहाँ हमारा प्रवास का आशय ये है कि हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी ने मोदी सरकार ने ये 2014 के बाद सत्तारूढ़ होने के बाद इतनी सारी योजनाएं बनाई है और प्रधान सेवक के नाते हर 135 करोड़ की हमारी जनता के उत्थान के लिए इतने कार्य किए हैं और वो सारी योजनाओं का लाभ हमारे पूरे ही देश को मिले ऐसी उनकी मन की इच्छा थी और उन्होंने उसके लिए बहुत कार्य किया है। पर ये देखने हम आए हैं कि कौन से प्रदेश में जहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो यहाँ वही योजनाओं का क्या हाल है। सबसे पहले जब 2014 में प्रधानमंत्री लाल किले से प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से पहला अपना संबोधन किया था तब उन्होंने जो योजना दी थी वो थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। तब हमें लगा था कि ऐसी छोटी सी योजना है, इसका कोई महत्व हमें समझ नहीं आया था, पर वो योजना अपने आप में इतनी विशाल थी कि सारी आने वाली योजना उसके ऊपर अवलंबित थी। और आज देखेंगे कि हमारे जो भारत के ग्राम्य प्रदेश में 2014 के बाद जितने बैंक अकाउंट खुले हैं, जीरो बैलेंस के बैंक अकाउंट खुले हैं, उसमें महिलाओं के द्वारा खोले गए अकाउंट है 53%, यानी कि जो पुरुष प्रवर्ग ने अपने अकाउंट खोले हैं उससे महिलाओं ने ज़्यादा खोले हैं। पहले ऐसा समय था जब परिवार में एक अकाउंट होता था और वो पुरुष का, महिलाओं के पास अपने अकाउंट नहीं होते थे, तो जो सुविधाएं महिला के अकाउंट में जाने से उसके हाथ में उसके समर्थ बनाती थी उससे वो वंचित रह जाती थी। उसके बाद मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लाई। उज्ज्वला योजना में उन्होंने जो अब हम चूल्हा फूक के महिलाओं की अपने फेफड़े खराब हो जाते थे वो बड़ा कष्टदायक था उनके लिए, वो कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने LPG सिलेंडर लोगों के घर घर तक पहुँचे। 8 करोड़ परिवार में ऐसे LPG सिलेंडर हमारे मोदी सरकार द्वारा पहुँचाए गए हैं। मैडम जी, हमारे सोरडा कंस्टिट्यूंसी में आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सोरडा कंस्टिट्यूंसी में मुझे यही बताना है कि जो इतनी सारी योजनाएं आपके मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए बन रही है, महिला सगर्भा होती है तब तक जब से लेके जब वो विधवा होती है, ये पूरे स्पैन में महिला सशक्त बने उसके लिए इतनी सारी योजना दी है, शौचालय से लेके उन्होंने विधवा पेंशन योजना, ये सारी योजनाओं का गठन करके आपके तक पहुँचाने की कोशिश की है। पर दुखद बात यह है कि ये सारी योजना यहाँ आती है, नाम बदल जाता है और नाम बदलने से जो मोदी सरकार का किया हुआ कार्य लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, नाम बदलने से सिर्फ वो कट पेस्ट काम होता है और ये ना हो, यही मेरा संदेश है कि आप सब महिलाएं जागे, अपने हक के लिए जो बनी हुई योजनाएं हैं उसका आप लाभ लें। जैसे देख रहे हैं कि अन्य राज्य में देखें तो बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, मगर उड़ीसा में देखें तो
यहाँ पर प्रगति बहुत धीरे से चल रहा है, और जो मोदी जी का जो भी संदेश होता है, मोदी जी का जो भी प्रोजेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं किसी भी राज्य में किस तरह भी चलता है, मगर उड़ीसा में वो देखने के नहीं मिलता है। इसलिए इसका कारण क्या है, क्यों नहीं यहाँ पर चल रहा है? सबसे आप जानते हैं कि कारण क्या है, क्योंकि मैंने अभी कहा कट पेस्ट चल रहा है काम, ना कोई यहाँ पर इंडस्ट्री का गठन होता है, इंडस्ट्री शुरू होती है ना, आपकी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई प्रयास किए जाते हैं, और पॉलिटिकली ये सारी योजनाओं को लेके लोगों के लाभ के लिए लोगों तक पहुँचाने की बजाय वो सिर्फ कट पेस्ट करके यही योजनाओं को मोदी सरकार द्वारा दी गए फंड को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। नहीं तो गंजम से इतने सारे लोग सूरत या गुजरात महाराष्ट्र या तमिलनाडु काम के लिए उन्हें जाना नहीं पड़ता, सब भारत के ही वतनी है, भारत के नागरिक है, उनको जहाँ जाना है भारत के कोई भी नागरिक को उनका स्वागत है वो प्रदेश में, लेकिन अपने परिवार से दूर उन्हें जाना पड़ रहा है क्योंकि उनको यहाँ पर काम के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। इतनी सारी योजना, इतनी मुद्रा योजना जैसी योजना बन रही है कि आप फंड लेके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या कहीं पर नौकरी ले, रोजगार ले, कुछ भी यहाँ पर व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जा सकती है। उनको वो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपनी सारी शक्ति मोदी जी की योजना को नाम बदल के अपने नाम पर चढ़ाने में रची हुई है, और यही सबसे बड़ी दुविधा है। घुमुस और सांगठनिक जिला दौरा में आया था 2 दिन और अब आपका खत्म हो गया है, वो आप क्या मतलब गंजम जिला जो घुमुसर जिला है वहाँ के महिला सशक्तिकरण के लिए और मोदी योजना के लिए क्या स्ट्रैटेजी क्या रखा है? स्ट्रैटेजी इतना है कि इतनी योजनाएं बनी है, माधवी मिहिर भूता, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चा की कार्यनेत्री हूँ। क्या कहेंगे जो आज आंगनबाड़ी कर्मी पर यहाँ पर जो एक महीने से धरना पर बैठे हैं, जो सरकार को उनका दावी जानना चाहते हैं, जो उसके बारे में आज उनके साथ आपकी जो बातचीत, वो दावी क्या था, वो कब वो सरकार के पास पहुँचेगा और कब वो कार्य में लगेगा? देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर है, हम हमारी ओर से महिला हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, केंद्र सरकार है, वहाँ तक तो उनकी मांगे पहुँच जाएगी, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते जो चीज़ें यहाँ स्टेट को करनी है वहाँ स्टेट फेल हो रहा है, दिख रहा है कि एक महीने से जो महिला मातृशक्ति जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाल रही है, अपनी भावी पीढ़ी को तैयार कर रही है, आंगनबाड़ी जैसी हमारी जो अहम व्यवस्था है उसको वो संभाल रही है, उनकी इतनी सी मांगे जो लॉजिकली भी प्रॉपर है और लीगली भी प्रॉपर है, ऐसी मांगे पूरी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि सरकार देख रही है बैठ के 33 दिनों से कि कब तक वो नहीं थकती है, ये उनका अपमान।